हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। जब भी कोई यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने जाता है और जब कंप्यूटर को ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूज़र है वो क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और जो कंप्यूटर है वो क्या यूज़ करते हैं? वो करते हैं मशीन लैंग्वेज यूज़। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब बात करते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी हम उसके अंदर एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, वो रन करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, वो कितने देर तक रन करेगा, उसकी फीचर्स क्या होगी, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो जो प्रोसेस होगी सारे के सारे वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और जो उनके कोड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इससे क्या होगा? यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमने सुना है हमारे पास कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, है ना, वैसे ही हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो भी पीसी के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके क्या है? अलग अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। जैसे वो क्या करते हैं? सारे डाटा को शेड्यूल करते हैं जो भी हमारे पीसी के अंदर है। वो मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं कि किस ऐप को, किस चीज़ को कितनी मेमोरी देनी है, किसको कितनी स्टोरेज कंज्यूम करानी है, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का है, कौन सा वर्जन है, वो उस पर क्या डिपेंड करती है? हमारी सिक्योरिटी पूरे सिस्टम की। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जितने भी हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं उनके थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। इससे हमारा पूरा पूरा जो भी डिवाइस है, कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, जो भी हम डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सब कुछ क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पूरे को मैनेज करता है। इससे हम जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, पीसी के अंदर जो भी हमारी फाइल्स है, उनको भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है? यही हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब एडवांटेजेस की बात करें हम, एडवांटेजेस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, आइकन्स एंड बटन। अगर हम कोडिंग करते हैं तो वो तो यूज़र को समझ में नहीं आती, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उस कोडेड लैंग्वेज को एक यूज़र के फॉर्म में, जिसको यूज़र समझ पाए, उसमें चेंज करके देता है हमें। ठीक है, वो क्या करता है? इस चीज़ को हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउइंग अस टू शेयरिंग द रिसोर्सेज विद द अदर कंप्यूटर। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्या कर सकते हैं? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं? हम अपनी रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? आपस में शेयर कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, कंप्यूटर में जो कुछ भी हो रहा है, उसको हम समझ सकते हैं। इसकी वजह से हमें सब कुछ यूज़ करना ईजी हो जाता है, और ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ईजिली अपडेट भी कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या है? जैसे हम पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा करप्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाता है, तो हमारा पूरा सिस्टम ही काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज। और इससे क्या होता है? ओनली सम टास्क रन एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ कुछ ही हमारे टास्क परफॉर्म हो पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स। आइए हम आगे समझते हैं थोड़ा। अब जैसे कि मैंने कहा था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही कंप्यूटर के अंदर का, पीसी के अंदर की हर एक चीज़ को ऑपरेट करता है ना। अब मैंने क्या करा? सीपीयू लिया, सीपीयू के अंदर मॉनिटर कनेक्ट करा, एप्स डाले, हार्डवेयर में मैंने सीपीयू लगाया, कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया, प्रिंटर लगाया। अभी इसको कैसे पता कौन सी डिवाइस से क्या काम करवाना है और किसका क्या फंक्शन है, किसको कब ऑपरेट करना है? मैंने कीबोर्ड से AFGZ दबाया तो उससे वही प्रेस होना चाहिए, प्रिंटर में कमांड दी तो प्रिंट ही निकलेगा, फोटोकॉपी नहीं निकलेगी। तो ये सब कुछ कौन डिपेंड, किस पे डिपेंड करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम मॉनिटर पे भी ध्यान रखता है, प्रिंटर पे, माउस पे, कीबोर्ड पे, हार्डवेयर पे, एप्लीकेशन पे। तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब हम बात करते हैं आगे, हमारे पास क्या है? बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जो पहले विंडोज चलाए करते वो ऐसी आती थी, है ना। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, विंडोज में चेंज आ रहा है हमारे पास। ये विंडोज का सबसे पुराना वर्जन था, उसके बाद ये आया XP, फिर विस्टा 7, 8, उसके बाद हमारे पास 10। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास कौन से है? 7 और 8। आज भी हम ये यूज करते ज्यादातर, है ना। फिर अब हम आगे देखते हैं, ये हमारे पास क्या है? टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स हो गया, फिडोरा हो गया,
और एंड्रॉयड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अंदर हमारे पास एक कौन से गए, iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब हम वहाँ पे पुरानी क्लास में सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हमें पता ही है iOS जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, जैसे कि हमने यहाँ बात करा था, है ना, कि इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी आ जाती है। सिक्योरिटी किस में होती है हमारी सबसे ज़्यादा, iOS कहते हैं ना मोबाइल फ़ोन्स में। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है, तो यही रीज़न है उसका। ठीक है,